नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गेहूं के आटे के फायदे। दोस्तों, गेहूं का आटा सिर्फ खाने के काम नहीं आता है, गेहूं के आटे को हम घरेलू नुस्खों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, हम किस प्रकार से घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं के आटे में शक्कर और दूध मिलाकर पीने से नकसीर आना बंद होता है। 20 ग्राम गेहूं, 1 ग्राम सौंधा नमक, 250 ग्राम पानी में उबालकर एक तिहाई पानी शेष रहने पर छानकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। गेहूं के आटे की पुल्टिस बनाकर फोड़ों पर पट्टी से बांधने पर लाभ होता है। गेहूं और चनों को उबालकर पानी का सेवन करते रहने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी गलाकर निकल जाती है। गेहूं के आटे में सामान्य मात्रा में बोरिक एसिड पाउडर मिलाकर पानी डालकर गोलियां बनाकर गेहूं की टंकी में दबाने से कीड़े और कॉकरोच नहीं आते हैं। आधा लीटर पानी में एक छटाक गेहूं को भिगोकर रात में रख दे। प्रातःकाल महीन पीसकर कपड़े से छानकर 10 ग्राम शक्कर मिलाकर कुछ दिन पीते रहे। इससे दोस्तों परमेह रोग ठीक हो जाता है। 10 ग्राम गेहूं 250 ग्राम पानी में भिगोकर रात में रख दे। प्रातःकाल छानकर पानी में 25 ग्राम मिश्री मिलाकर पीते रहने से मूत्र की जलन में लाभ होता है। एक तरफ से सीकी गेहूं की रोटी के दूसरी तरफ पर तिल का तेल लगाकर दर्द वाले स्थान पर रखकर पट्टी बांधने से दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।